السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم के दर्स में आज हम आपकी ज़िंदगी का एक अहम गदवा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ये गदवा इतना भारी भरकम नहीं था या बहुत बड़ी जंग नहीं थी, लेकिन इस जंग के अंदर कुछ ऐसे हादसात पेश आए जिसने मदीने के अंदर और इस्लामी माशरे के अंदर बड़ी हलचल पैदा कर दी, इस्तराब पैदा कर दिया, और इसी तरीके से मुनाफिकीन का भी पर्दा इस वाक़े से फाश हुआ और कुछ ताज़ीरी हदूद और कुछ ताज़ीरी मसाइल अल्लाह रब्बुल आलमीन नाज़िल किए। इसलिए गज़वा अहमियत का हामिल है, वरना कोई बहुत बड़ी जंग या भारी भरकम लड़ाई इसके दरमियान नहीं हुई थी। और ये गज़वा है गज़वे बनी मुस्तलिक, गज़वे बनी अल मुस्तलिक। बनी अल मुस्तलिक ये कबीले खुदा की एक शाख थी और इसका जो सरदार था उसका नाम था हारिस बिन अबी दरार। उसने मदीने पर चढ़ाई करने की कोशिश की और अरब के कुछ कबीलों को भी अपने साथ उसने मिला लिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसके बारे में इत्तला हुई तो आपने एक सहाबी जिनका नाम था बुरैदा बिन हुसैब अलसलमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनको भेजा खबर की तहकीक के लिए कि क्या वाकई ख़बर सच्ची है कि वो लोग मदीने पर हमला करना चाहते हैं। तो वापस आए तो उन्होंने कहा कि हाँ, ख़बर सच्ची है और वो लोग तैयारी कर रहे हैं मदीना पर हमला करने की। वो ख़ुद तैयारी कर रहा है और उसने अपने साथ बहुत सारे अरब के कबीलों को भी मिला लिया है। तो ये बनू मुस्तलिक चूँकि एक कबीले का नाम था इसलिए इसे गज़वे बनी मुस्तलिक कहा जाता है, और इसका दूसरा नाम है गज़वे मुरैसिया। मुरैसिया पानी के चश्मे का नाम है, और ये बनू मुस्तलिक जिस कबीले में रहते थे उन्हीं के आसपास एक पानी का चश्मा था, बड़ा चश्मा, और उसी चश्मे पर यह जंग पेश आई थी, इसलिए इसे गज़वे मुरैसी भी कहा जाता है। दोनों नाम है तारीख के अंदर, सीरत के अंदर, और ये वाक़िया सही बुखारी के अंदर भी है और हदीस की दीगर किताबों के अंदर ये वाक़िया मौजूद है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर पहुंची, तहकीक हो गई कि लोग मदीना पर हमला करना चाहते हैं, तो आपने लश्कर कूच करने का हुक्म दिया। झंडा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ में दिया और अंसार का झंडा साद बिन उबादा के हवाले किया, और मदीने का ज़िम्मेदार हज़रत ज़ैद बिन हारिसा को बनाया, और उसके बाद फिर आप वहाँ से निकल गए। आपके साथ मुनाफिकीन भी थे जो गज़वे उहुद में, जिन्होंने आपके साथ बदहदी की या ख़यानत की और सलीके साथ देने से इनकार कर दिया, तो मुनाफिकीन भी आपके हमराह थे इस जंग के अंदर, क्योंकि वो ज़ाहिर में तो मुसलमान कहलाते थे, अंदर से वो मुनाफिकीन थे, तो वो भी इसमें आपके साथ में थे। जो बनू मुस्तलिक का सरदार था हारिस बिन अबी दरार, उसने जासूसी के लिए एक आदमी को भेजा था, तो उस आदमी को मुसलमानों ने पकड़ लिया, और जासूसी की जो सज़ा है वो कत्ल होती है, और लिहाजा उसको कत्ल कर दिया गया। जब ये ख़बर पहुंची हारिस बिन अबी दरार को और उन तमाम लोगों को जो मदीना पर हमला करना चाह रहे थे, तो उनके दिलों के अंदर रोब बैठ गया पहले ही से कि भाई हमारे जासूस को पकड़ लिया गया, कत्ल कर दिया गया उसे, तो उनके दिलों के अंदर रोब और खौफ तारी हो गया। और यह मानवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसियात में से एक बड़ी खसूसियत थी कि आप फरमाते हैं कि मुनसिर तो बिरोब मसीरता शहरी, एक महीने की मसाफत की दूरी से मेरे दुश्मनों में मेरा रोब डाल दिया गया है। तो जब उनको, जब उस शख्स को कत्ल कर दिया गया, तो उन लोगों के दिलों में खौफ तारी हो गया, दहशत फैल गई, तो बहुत सारे लोग वहाँ से अलग हो गए, यानी मदीना पर हमला करने के बजाय वो लोग आपस में इख्तलाफ कर बैठे, और बहुत सारे लोग साथ देने से इनकार कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल चुके थे, आपने लश्कर कूच करने का हुक्म दे दिया था,
और जब लश्कर वहाँ पहुँचता है तो मुरैसी, जैसा कि मैंने कहा कि पानी के चश्मे का नाम है, वहाँ पर बनू मुस्तलिक के लोग पड़ाव डाले हुए थे। तो जब आप वहाँ पहुँचे तो शुरू में दोनों फरीकों के दरमियान तीर से कुछ आपस में तबादला हुआ, यानी दोनों तरफ से तीर आना शुरू हो गए। कुछ देर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा हमला करने का आपने हुक्म दे दिया और उन पर हमला किया गया। तो चूंकि सिर्फ बनू मुस्तलिक के लोग रह गए थे और बाकी जो अरब के कबीले थे उन्होंने साथ छोड़ दिया था, जब उन्होंने सुना कि आप एक बड़ा लश्कर लेकर के आ रहे हैं और हमारे जासूस को कत्ल भी कर दिया गया, तो उन लोगों ने साथ देने से इनकार कर दिया। तो आपने हमला करने का हुक्म दिया तो उसमें कुछ लोगों को कत्ल कर दिया गया, बहुत सारे लोग भाग खड़े हुए और जो औरतें थीं और बच्चे थे उनको कैदी बना लिया गया, क्योंकि इस्लाम की तालीम यही है कि औरतों और बच्चों को कत्ल ना किया जाए। आपने बाकायदा इससे मना किया कि किसी भी औरत और किसी बच्चे को जंग के दौरान कत्ल ना किया जाए। उसके बाद जो मवेशी थे, जानवर वगैरह थे और कुछ माल था, तो उसे उस पर कब्ज़ा कर लिया, यानी माली गनीमत के तौर पर उसे हासिल कर लिया गया। मुसलमानों में से सिर्फ एक शहीद हुए थे और जो बनू मुस्तलिक का सरदार था हारिस बिन अबी दरार, उसकी बेटी थी, उनका नाम था जुएरिया बिनते हारिस, वो भी कैदी बन कर के आईं और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे निकाह कर लिया, हज़रत जुएरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से, और फिर आपने उनको आज़ाद कर दिया और उनसे निकाह कर लिया। तो इस तरीके से जो और कैदी थी औरतें या लोग थे, तो उन कैदी औरतों से और जो दीगर मुसलमान थे उन सब ने क्या कर लिया, उन सब लोगों को आज़ाद कर दिया, कैदी औरतों को। इसीलिए ये कहा कि भाई अल्लाह के रसूल के ससुराल के लोग हैं ये, क्योंकि आपने जुएरिया रज़ी अल्लाह तआला से शादी कर ली, तो लोगों ने कहा कि आपके ससुराल के लोग हैं तो उनका एहतराम होना चाहिए। तो उन्होंने कैदियों को, औरतों को छोड़ दिया और जिनको रखा उनको निकाह करके रखा, और इस तरीके से बाकी औरतों को, कैदियों को उन्होंने छोड़ दिया। इसीलिए जुएरिया रज़ी अल्लाह तआला के बारे में आता है कि बड़ी बाबरकत खातून थी वो अपनी कौम के लिए और लोगों के लिए, क्योंकि उनकी वजह से सारी कैदी औरतों को अक्सर को आज़ाद कर दिया गया, छोड़ दिया गया, और फिर जो कुछ औरतें बची उनसे वहाँ के लोगों ने निकाह कर लिया, यानी अपनी बीवी बना लिया। तो ये मुख्तसर तौर पर इस जंग के बारे में, क्योंकि मैंने बताया कि कोई भारी भरकम जंग नहीं थी और ना ही कोई ज़्यादा दिनों तक जंग चली थी, बस चंद घंटों का मसला था। चूँकि वो लोग उनके दिलों में रोब और खौफ तारी हो गया, इसलिए पहले ही से वो लोग मैदान छोड़ करके भाग गए थे, सिर्फ बनू मुस्तलिक कबीले के लोग बाकी बचे थे। इसलिए मुख्तसर तौर पर यह वाकया पेश आया था, लेकिन इस जंग के अंदर दो तकलीफ दे वाकयात पेश आए जिसकी वजह से इस जंग की बड़ी अहमियत है। एक वाकया तो यह है कि जो मुनाफिकों का सरदार था अब्दुल्ला बिन उबै बिन सलूल, उसने ये कहा कि मदीना पहुँच करके जो इज्जत वाला है वो जिल्लत वाले को निकाल देगा। उसने इज्जत वाले से अपने आप को मुराद लिया और ज़िल्लत वाले से मुराद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने लिया, और ये कहा कि हम जा कर के मदीना में उनको मदीना से निकाल देंगे। और हुआ यूँ कि अंसार और महाजरीन के अंदर कुछ तो मैमे हो गई, वो भी इंसान थे और इंसान होने के नाते से गलती हो सकती है, तो उनसे आपस में कुछ इस तरीके से तो मैमे हो गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर के उसको ख़त्म कर दिया। और लेकिन जब मुनाफिकों का सरदार जो था अब्दुल्ला बिन उबै बिन सलूल, जब उसे मालूम हुआ तो वो गुस्से से भड़क उठा और ये बकने लगा कि मदीना पहुंच करके जो इज्जत वाला है वो जिल्लत वाले को निकाल देगा। इज्जत वाले से मुराद उसने अपने आप को लिया और जिल्लत वाले से मुराद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को उसने लिया। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की खबर हुई तो आपने उसे तलब किया, जिस पर वो साफ झूठ बोल दिया, कहा कि मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस पर सूरह मुनाफिकीन नाज़िल फरमाई, पूरी सूरत जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन इस वाक़े का तस्करा किया कि जो इज्जत वाला है वो ज़िल्लत वाले को निकाल देगा, लई खुरजिन्ज़ मिन हर अज़ल, कि जो इज्जत वाला है वो ज़िल्लत वाले को निकाल देगा। वो झूठ बोल दिया, क्योंकि मुनाफिकीन तो झूठे होते ही हैं, अपने ईमान में झूठे हैं, अमल में झूठे हैं, अल्लाह को जो है वो धोखा देते हैं, मुसलमानों को धोखा देते हैं, तो साफ इनकार कर दिया, झूठ बोल दिया। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी खबासत को और उसके झूठ को सूरह मुनाफिकीन नाज़िल करके वाज़े कर दिया। एक तो वाक़िया पेश आया,
और उसका उस जो बेटा था या उसके जो बेटे थे उनका भी नाम अब्दुल्ला ही था, वो पक्के सच्चे मोमिन थे अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जब उन्हें खबर पहुंची कि हमारे बाप ने इस तरह की बात कही है तो वो मदीना में दाखिल होने से पहले रास्ते पर खड़े हो गए तलवार निकाल करके और कहा कि मैं अपने बाप को दाखिल नहीं होने दूंगा जब तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि वो पक्के सच्चे मोमिन थे और यानी और उनका जो बाप था वो मुनाफिकों का सरदार था, क्योंकि मदीने की सरदारी अब्दुल्ला बिन उबै बिन सलूल के पास ही आने वाली थी, मदीना के लोगों ने उसे अपना सरदार बना लिया था। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे तो उसकी सरदारी ख़त्म हो गई, इसलिए उसको गुस्सा आ गया और वो नफरत करने लगा, हसद करने लगा। तो इसलिए वो शुरू में तो ज़ाहरी तौर पर दुश्मन था, लेकिन जब देखा कि भाई हम तो दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं तो उसने एक दूसरा रास्ता अपना लिया, ज़ाहिर में उसने इस्लाम का ऐलान किया और अंदर से वो काफिर था, मुनाफिक था। तो उन्होंने कहा उसके बेटे ने कि मैं उसे मदीने में दाखिल होने नहीं दूंगा जब तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाज़त नहीं देंगे। जब आप तक ये बात पहुँचती है तो आपने कहा कि इजाज़त दे दो, क्योंकि आप बहुत रहमदिल थे, मेहरबान थे, इसलिए आपने इजाज़त दे दी। और आपकी रहमदिली का अंदाज़ा आप ये लगा लें कि जब इसकी वफ़ात हुई ये अब्दुल्ला बिन उबै बिन सलूल की, तो आप बाकायदा उसके कब्र के अंदर भी उतने, जनाजे की भी नमाज भी पढ़ी आपने और आपने अपना जुब्बा भी दे दिया। हालांकि ज़िंदगी भर उसने आपको सताया और तकलीफ़ दी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने उसके साथ हमेशा नरमी का बर्ताव किया। एक वाक़िया तो ये पेश आया कि उसने ये कहा मुनाफिकों के सरदार ने कि इज़्ज़त वाला ज़िल्लत वाले को निकाल देगा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी फ़ज़ीहत की और क़यामत तक के लिए उसकी ज़िल्लत को कुरान के अंदर महफूज कर दिया और सूरह मुनाफिकीन के नाम से मुकम्मल एक सूरत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उतारी। एक वाक़िया तो ये पेश आया। दूसरा वाक़िया एक पेश आया जो इससे ज़्यादा दिलदोज था, अलमनाक था और बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक वाक़िया था, और वो ये था कि मुनाफिकीन की साजिश। और जैसा कि सही बुखारी की हदीस है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा खुद इस हदीस की रिवायत करने वाली हैं और वो फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंग में जाते थे तो आप कुरानदाज़ी करते थे, जिस खातून का नाम निकलता उस खातून को अपने साथ लेकर के आते थे। इस जंग में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का नाम निकला तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आपके हमराह निकली, और उसके बाद जब वहाँ पहुँचे तो फिर वो यानी वहाँ से वापस होने लगे इस जंग से, तो मदीना से कुछ दूरी के फासले पर वहाँ रात होगी तो आपने पड़ाव डाला। और उसके बाद आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा क़ज़ाए हाजत के लिए बाहर तशरीफ़ लेकर के गई, तो जब वापस आती हैं तो देखती हैं कि उनका जो हार था वो गायब हो गया है। वो हार जो पहनी थी और किसी से आरियतन लेकर के गई थी वो, तो वो हार गायब हो गया है। और फिर उस हार की तलाश में उसी जगह पर चली गई जहाँ वो क़ज़ाए हाजत के लिए बाहर गई हुई थी। वहाँ उनको हार तो मिल गया, लेकिन जब वापस आई तो वहाँ पर लश्कर जा चुका था, और जिस हौदज में, हौदज कहते हैं पालकी को जिसमें औरतें बैठती हैं और ऊँट के पुश्त पर रखा जाता है, उसको अरबी ज़ुबान में हौदज कहते हैं, उर्दू में भी हौदज कहते हैं उसे, तो उसमें औरतें बैठती थी। तो जब पूछ करने का वक्त आया तो लोगों ने उस हौदज को उठा करके ऊँट पर रख दिया, और लोगों ने यह समझा कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इसके अंदर मौजूद हैं, क्योंकि दुबली पतली थी और मोटी वगैरह थी नहीं, शुरू का की बात है। तो लोगों ने महसूस नहीं किया कि उसके अंदर नहीं है, महसूस किया कि उनके अंदर बैठी हुई हैं, और रख दिया। उसके बाद काफिला कूच कर दिया। एक सहाबी हैं जिनका नाम है सफवान बिन मुअत्तल सुलमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, बूढ़े सहाबी, और उनकी बारी ये थी कि जब काफिला कूच कर जाएगा तो सबसे आखिर में आएंगे, होता किसी को कोई सामान रह गया हो, कोई चीज़ रह गई हो, तो ये सारी चीज़ें की जाती हैं। तो सफवान बिन मुअत्तल सुलमी रज़ियल्लाहु अन्हु की जिम्मेदारी थी कि वो सबसे आखिर में आएंगे काफिला कूच कर जाने के बाद। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा आकर के देखती हैं काफिला मौजूद नहीं है, तो उसी जगह पर वो बैठ जाती हैं और फिर सो जाती हैं, उनको नींद आ जाती है। हज़रत सफ़वान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आते हैं और देखा तो इन्ना इलैहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा, और बाद हदीसों के अंदर आता कि उम्मुल मोमिनीन का लफ्ज़ उन्होंने कहा, क्योंकि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को वो पहले देख चुके थे, हिजाब पर्दे की आयत नाजिल होने से पहले देख चुके थे वो, तो देखे कि हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इन्ना इलैहि व इन्ना इलैहि राजिऊन जब पढ़ा उन्होंने, आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की नींद खुल गई
और उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपनी ऊँटनी उनके करीब कर दी और उस ऊँटनी पर बैठ गई। कौन? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हौदज नहीं था, क्योंकि हौदज औरतों के लिए होता है, ये तो उनका ऊँट था हज़रत सफ़वान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का। तो उस पर बैठा लिया उन्होंने और नकील पकड़ी और ऊँट की और नकील पकड़ करके, चूँकि आप अकेले जा रहे थे, जब लश्कर होता है तो सफ़र धीरे धीरे होता है, जब आदमी अकेले सफ़र करता तो तेज़ चलता है। तो ये मदीना पहुंचने से पहले ही दोपहर का वक्त था, जा करके लश्कर से मिल गए। कौन? हज़रत सफ़वान बिन मुअत्तल अस्सलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मदीना में दाखिल होने से पहले। उस लश्कर में मुनाफिकों का सरदार भी था अब्दुल्लाह बिन उबै बिन सलूल, जब उसने ये देखा तो उसने तोहमत लगा दी हज़रत आयशा और हज़रत सफ़वान रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा पर, जना की तोहमत लगाई। इसलिए इस वाक़े को वाक़े इफ्क कहा जाता है। वाक़े इफ्क, इफ्क माने झूठा, यानी झूठा इल्ज़ाम उसने लगा दिया किन पर? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर, इसी जंग के अंदर। इसीलिए जंग पढ़ा जाता है, पढ़ी जाती है, और यानी इस वाक़े की वजह से इसे तारीख के अंदर बड़ी अहमियत के जो है हामिल हो, बड़ी अहमियत मिल गई इस जंग को। तो बहरहाल उसने इल्ज़ाम लगाया और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुँचते हैं, और मदीना पहुँच करके हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तबीयत ख़राब होगी, बीमार हो गई। कई दिन गुजर गया, हज़रत आयशा फरमाती हैं कि जो है मुझे कोई ख़बर नहीं थी, लेकिन मुझे एक बात की तकलीफ़ थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले बहुत मेहरबानी और प्यार के साथ मेरे साथ पेश आते थे, लेकिन अब इन दोनों वो प्यार उनका नज़र नहीं आता। क्यों प्यार नहीं कर रहे हैं, क्यों मेहरबानी नहीं कर रहे हैं, मुझे बात नहीं समझ आ रही थी। तो कहती कि एक मरतबा वो मिस्ताह रज़ियल्लाहु ताला एक सहाबी हैं जो गरीब थे और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के करीबी भी थे, और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही उनका पूरा खर्च संभालते थे, क्योंकि अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मालदार सहाबा में से हैं, तो पूरा खर्च वही संभालते थे। तो उनकी वालदा के साथ एक मरतबा बाहर तशरीफ़ ले गई, तो वो जो चादर पहनी हुई थी हंसते उम्मे मिस्ताह, मिस्ताह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा उम्मे मिस्ताह, तो कह रहे कि चादर उनके पाँव के नीचे आ गई और वो गिर गई, और गिरने के बाद मिस्ताह को जो उनके बेटे हैं उनको बुरा भला कहना शुरू कर दिया। तो हंसते आयशा कहती हैं कि बदरी सहाबी हूँ, गज़वे बद्र के अंदर शरीक हुई हैं हंसते मिस्ताह के बेटे, आप लोग क्यों बुरा भला कह रहे हैं, मत कहिए उनको। तो वो कहती हैं क्या तुम्हें नहीं मालूम है? कहा क्या? कहा कि जो तुम्हारे ताल्लुक से बुरी खबर फैलाई जा रही है उसमें मेरा बेटा भी शरीक है, उसमें मेरा बेटा भी शरीक, उस प्रोपेगंडे के अंदर, क्योंकि इतना प्रोपेगंडा किया गया कि कुछ सहाबा भी उस प्रोपेगंडे में आ गए। जैसे आज बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी खबरें झूठी नशर की जाती, इतनी नशर की जाती हैं कि लोग उसे सच समझने लगते हैं। अभी थोड़ी देर पहले या कुछ दिनों महीना पहले जो शेख आले तालिब हैं मक्के के इमाम, उनके ताल्लुक से कितनी झूठी खबरें नशर की गई, और दुनिया में सबसे ज़्यादा जिस मुल्क के खिलाफ झूठी खबरें अफवाहें फैलाती मुल्क से सऊदी अरब है, सबसे ज़्यादा। पूरा मीडिया है, पूरी टीम है जो बरतानिया में, फ्रांस में, अमेरिका में बैठी हुई है, जो यहाँ जमहूरियत चाहते हैं, जो मुल्कियत के दुश्मन हैं कि मुल्कियत नहीं चाहिए, हमको जमहूरियत चाहिए, गलत अकीदे के लोग, गलत मनहज के लोग, जो पूरे दूसरे गैर इस्लामी मुल्कों के अंदर बैठे हुए हैं, सबसे ज़्यादा इसी मुल्क के ख़िलाफ़ प्रोपेगंडा करते हैं। कोई कुछ खबर लिख देता है बगैर किसी ताकीद के, उसे शाये कर दिया जाता है, पूरी दुनिया की मीडिया में वो चीज़ आ जाती है। बड़ा बड़ा वाकया करते हैं उसको नहीं बयान करेंगे, लेकिन झूठे वाकयात इनके ताल्लुक से खूब बयान करते हैं। ये पूरा प्रोपेगंडा इनके ताल्लुक से किया जाता है, इतना प्रोपेगंडा कि बहुत सारे लोग भी उसको सच समझने लगते हैं, कहते हैं वाकया सच्चा है, हालाँकि पूरा का पूरा झूठा होता है कि उनको जो है जेल में डाल दिया गया, उन पर जुर्माना लगाया गया। हालाँकि बेचारे भी कुछ दिनों पहले उनकी वीडियो आई थी, अपने घर के अंदर मौजूद है, उनको सिर्फ इमामत से हटाया गया वहाँ से, बाकी और कुछ नहीं किया गया। और भाई आपके मस्जिद के पहले कोई और इमाम थे, अभी कोई दूसरे इमाम हैं। हमारे यहाँ मदरसों में लोग पढ़ाते हैं, यूनिवर्सिटियों में पढ़ाते हैं, कोई कहीं का वाइस चांसलर है उसको हटा के दूसरे के बना दिया जाता है, यहाँ का गवर्नर दूसरे यहाँ गवर्नर बना दिया जाता है, ये तो होता रहता है। लेकिन जिनके दिलों में शक होता है, जिनके दिलों में शुबहा होता है, या जिनके दिलों में निफाक होता है, मैं कहूँ साफ तौर पर, ख़ास तौर से मुमलकत सऊदी अरब के ख़िलाफ़, तौहीद और सुन्नत के ख़िलाफ़, वो लोग ऐसे वाक़ात की तलाश में रहते हैं। कोई वाक़ा लिख दिया था, उसे पूरी दुनिया के अंदर नशर कर दिया था। तो ये प्रोपेगंडा है मेरे भाई, इसलिए प्रोपेगंडा
کہ پیچھے نہیں جانا چاہیے, انسان کو تحقیق کرنی چاہیے. اسلام نے ہمیں ایک اصول دیا, ایک ضابطہ دیا, جب تمہیں کوئی خبر ملے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. یہ نہیں کہ پروپیگنڈا کے پیچھے آپ بھاگتے جائیں, نہیں, اس کی خبر تحقیق کر لینی چاہیے, کیونکہ پروپیگنڈا کو, جھوٹی بات کو بیان کرنا, یہ بھی جھوٹا ہونے کی دلیل ہے. اللہ کے رسول کے حدیث سے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی میرے پاس کسی نے واٹس ایپ بھیج دیا, میں نے دوسروں کو بھیج دیا, اس نے تیسروں کو بھیج دیا, کچھ ہمارا معاملہ نہیں, میں نے تو نہیں گڑھا واقعہ, کسی اور نے گڑھا. آپ بھی مجرم ہیں, ہم بھی مجرم ہیں. جھوٹا ہونے کے لیے کافی اللہ کے رسول کے حدیث ہے, کفا بالمرء کذبا, آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے, ان یحدث بکل ما سمع, ہر سنی ہوئی بات کو, ہر افواہ کو, ہر خبر کو لوگوں کے درمیان پھیلاتا رہے, اس کے جھوٹا ہونے کے لیے ہی کافی ہے. ہم بھی جھوٹے ہوں گے اگر بغیر تحقیق کے کوئی خبر نشر کر دیں گے, لوگوں کے سامنے بیان کر دیں گے, ہم بھی جھوٹے ہوں گے. تو تحقیق کر لیا کریں. افواہوں نے تو حکومتوں کو ختم کر دیا ہے. حضرت عثمان کی حکومت افواہوں کے نتیجے میں گری تھی, ان کے خلاف جو ہے حکومت پروپیگنڈا کیا گیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف, کتنا جھوٹ ان کے خلاف بولا گیا. اللہ کے رسول کے موت کی خبر غزوہ احد کے اندر اڑائی گئی, لوگ مسلمان بددل ہو گئے کہ اللہ کے رسول شہید ہو گئے, قتل ہو گئے, اب ہم کو جینے سے کیا فائدہ. اتنا زیادہ اس افواہ نے صحابہ کے دلوں کے اندر یہ بات ڈال دی, اور اس طریقے سے مایوسی سمجھ لیجیے ایک طرح کی, کہ وہ میدان چھوڑ کر کے مدینہ بھاگ گئے بہت سارے صحابہ, کہ اللہ کے رسول کی وفات ہو گئی, آپ کو قتل کر دیا گیا. تو افواہ کو آپ کم نہ سمجھیں, بہت ہی خطرناک چیز ہوتی ہے. کتنے گھر اجڑ جاتے ہیں, میاں بیوی کے درمیان دشمنی ہو جاتی ہے, طلاق ہو جاتی ہے, اور جنگ ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول کے زمانے میں دیکھیے افواہ اڑا دی گئی کہ مکہ کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں, بیچارے جو مدینہ وہاں حبشہ کے ہاں حبشہ میں چلے گئے تھے, یہ سن کر کے واپس چلے آئے کہ جب مکہ کے لوگ مسلمان ہو گئے تو حبشہ میں رہنے کیا ضرورت ہے, چلو مکہ چلتے ہیں, چلو مکہ چلتے ہیں. مکہ آئے تو خبر جھوٹی تھی, صحابہ کو پکڑ لیا گیا اور ان پر ظلم ڈھا شروع کر دیا گیا. تو اس طریقے سے پوری تاریخ پر ڈالیے, افواہیں پھیلائی جاتی ہیں اور پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. لہذا پروپیگنڈا جو سچا مومن مسلمان ہوتا ہے پروپیگنڈے پر دھیان نہیں دیتا ہے, اور نہ اس کے لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے, اس کی تحقیق کرتا ہے, کسی کی بھی تعلق سے ہو, کسی انسان کے تعلق سے, مرد اور عورت کے تعلق سے, بھائی بہن کے تعلق سے, کسی ملک کے تعلق سے, کسی کی بھی تعلق سے ہو, چاہے سعودی عرب ہو, کوئی اور بھی ملک ہو, کسی کی بھی تعلق سے کوئی جھوٹی خبر ہو, افواہ ہو, تو انسان کو اس پر نہیں دھیان دینا چاہیے بلکہ اس کی تحقیق کرنی چاہیے. تو بہرحال یہ پروپیگنڈا کیا گیا, کچھ صحابہ بھی اس کے اندر آ گئے, انہیں میں سے کیا نام ہے مستعب بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایسے حسان بن ثابت, شاعر رسول ہیں یہ حسان بن ثابت, وہ بھی پروپیگنڈے میں آ گئے, اور ایسے ہی آپ کی بیوی تھی زینب بنت جہش, ان کی بہن تھی, ان کا نام تھا حمنا بنت جہش, وہ بھی اس پروپیگنڈے کے اندر آ گئے. تین لوگ اس پروپیگنڈے کے اندر آ گئے اور الزام لگا دیا. اسی لیے جب اللہ رب العالمین نے حضرت عائشہ کی برات نازل فرمائی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو 80-80 کوئے لگائے تھے, ہستے مستہ کو, ہستے حسان کو, اور ہستے زین و حمنا بنت جہش کو. جی ہاں, تو وہ کہتی ہیں, بہرحال میں آگے نکل گیا, اور کہ ہستے عائشہ کہ آپ کیوں ہستے مستہ کو برا کہہ رہے ہو, وہ تو بدری صحابی ہیں. تو انہوں نے کہا تمہیں نہیں معلوم کہ وہ تمہارے پروپیگنڈے میں, تمہارے خلاف جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس میں میرا بیٹا بھی شامل. تو انہوں نے کہا کہ ایسی بات ہو رہی میرے تعلق سے, ان کو پتہ ہی نہیں ہستے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے, چھوٹی سی عمر, ان کو پتہ ہی نہیں. جب وہ واپس آتی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ مجھے اب میرے والدین کے گھر جانے دیں. تو کیوں جا کر کے میں ان سے پوچھتی ہوں کیا ماجرا ہے. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی. اس کے بعد وہ اپنے گھر جاتی ہیں, اور جب وہاں جاتی تو ان کو اپنی والدہ سے پوچھتی ساری بات, تو ان کی والدہ نے کہا کہ ہاں یہی بات ہے, اور اس طریقے سے پورے مدینہ کے اندر تمہارے تعلق سے اس طرح کی خبریں نشر کی جا رہی. کہہ رہے ہیں کہ میں بہت روئی سے بخاری کے حدیث, اور کئی دن تک میں روتی رہی. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے, میرے والدین کے گھر آئے, اور انہوں نے ایک مختصر سی نصیحت کی, الحمدللہ پڑھا, تشہد پڑھا, اشہد اللہ الہ الا اللہ جو خطبہ جیسے ہوتا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ عائشہ اگر جو ہے تمہارے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے, اللہ معاف کرنے والا, اللہ توبہ قبول کرنے والا, توبہ کر لو, اللہ تعالیٰ جو ہے تمہاری توبہ قبول کرے گا, انسان انسان سے خطا ہو سکتی ہے. تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے والدین سے کہا کہ آپ لوگ جواب دیجیے اپنی بیٹی کی طرف سے. تو ان کی ماں نے کہا میں کیا جواب دوں, ان کی والد کہتے ہیں میں کیا جواب دوں. تو حضرت عائشہ کہتی ہے رضی اللہ عنہ کہ میں نے خود جلا دیا,
और मैंने ये कहा कि अफवाह इतनी फैला दी गई है कि अगर मैं ये कहूँ कि नहीं ये झूठी बात है और अल्लाह को मालूम है कि बात झूठी है तो तुम लोग मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे। लिहाजा मेरे लिए वही मामला है जो हज़रत याकूब ने कहा था जब उन्हें उनके बेटे की वफात की या भेड़िए के ज़रिए से कत्ल कर दिए जाने की खबर सुनाई गई थी तो उन्होंने कहा था सब्र जमीन और अल्लाहान अलामा तस्फ़ मैं सब्र करती हूँ और अल्लाह से तवक्कुल करती हूँ अल्लाह पर, अल्लाह से मदद मांगती हूँ और मैं इस पर सब्र करती हूँ। ये उन्होंने कहा तो सही बुखारी के हदीस के अंदर आया है और दीगर हदीसों के अंदर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं पर तशरीफ़ फरमा थे, कहाँ, अबू बकर के घर ही पर, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वही उतारी आपके ऊपर। पूरे एक महीना तक ये खबर मदीने के अंदर फैलाई जाती रही, उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की और हज़रत सफ़वान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, बूढ़े इंसान थे, बूढ़े थे वो, उनकी बरात नाज़िल फरमाई और वो दोपहर में नकील लेकर के आए थे मदीने के अंदर। नऊज़ बिल्ला, अगर कोई आदमी ऐसा कभी होता है तो इंसान रात में तारीकी में आने की कोशिश करता है कि किसी को खबर ना हो, लेकिन उनका दिल साफ था, हज़रत आयशा का दिल साफ था, कोई मामला था ही नहीं, इसलिए हज़रत सफ़वान रज़ी अल्लाह तआला दिन दिहाड़े दोपहर के वक्त लश्कर से आकर के मिले थे और मदीने में दाखिल हुए थे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह नूर नाज़िल फरमाई, सूरह नूर के अंदर कई आयतें, तकरीबन 20 या 23 आयतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके ताल्लुक से नाज़िल फरमाई और ये कहा कि इन्नल्लज़ीना जाओ बिल्उफ़ उस्बतुम मिनकुम, जो ये झूठी खबर लेकर के आए हैं या झूठा इल्ज़ाम जिन्होंने लगाया है वो तुम्हें ही में से एक जमात है। ला तहसबू शर्रकुम बल हुवा खैरुकुम, तुम उसे अपने लिए शर ना समझो, इसमें तुम्हारे लिए खैर है, इसमें क्या तुम्हारे लिए खैर। यह आयत करीमा और इस तरह की 22 आयत करीमा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह नूर के अंदर नाज़िल फरमाई, जिसमें हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की बरात नाज़िल फरमाई। और इसी तरीके से अगर कोई किसी पर इल्ज़ाम लगाता है, कोई तोहमत लगाता है तो एक मोमिन का सेवा क्या होना चाहिए, एक मोमिन को क्या करना चाहिए, वो बात भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तफसील के साथ 20-22 आयतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी बातें बयान कर दी। तो ये वाक़िया इसी जंग के अंदर पेश आया था जिस जंग को गज़वे बनी मुस्तलिक या गज़वे मुरैशी कहा जाता है। और जब यह आयत करीमा नाज़िल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो तीन सहाबा थे उन पर बाकायदा आपने क्या किया, उन पर हद नाफिज की। और इस तरीके से मिश्ता बिन असासा, हसान बिन साबित और हमना बिन तजैश को, रहा मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्ला बिन उबै बिन सलूल, तो आपने उसके ऊपर हद नाजिल नहीं की। क्यों नहीं हद नाजिल नाफिज की, इसलिए कि उस मुनाफिक है, वो मुनाफिकों का सरदार है और ये जो हद होती है ये गुनाहों का कफारा है। इसलिए आखिरत में जिसे दुनिया में सज़ा मिल जाएगी, आखिरत में अल्लाह ताला उसे सज़ा नहीं देगा। अगर कोई चोरी करता है, शराब पीता, दुनिया के अंदर हद नाफिज कर दी जाती है, या इस तरीके से कोई जिना करता है, दुनिया में हद नाफिज हो जाती है, तो ये कफ़ारा हो जाता है उसके गुनाह का, अल्लाह ताला आखिरत में उसको सज़ा नहीं देगा। ये तो मुनाफिकों का सरदार है, ये तो उसके गुनाह कफ़ारा होगा ही नहीं, उस पर हद नाफिज करने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके ऊपर हद नाफिज नहीं की थी। और बाद लोगों ने यह कहा है कि चूँकि मसलहत थी, जैसे आपने मुनाफिकीन से जंग नहीं लड़ी, मुनाफिकीन को आपने कत्ल नहीं किया, आपको मालूम था फ़ला फ़ला मुनाफिक है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बाकायदा वही के ज़रिए से आपको बता दिया था कि फ़ला आदमी मुनाफिक है, फ़ला मुनाफिक है, फ़ला मुनाफिक है, और फिर आपने वो नाम हज़रत हुज़ैफ़ा को बता दिए थे, हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। इसीलिए हज़रत उमर फरमाते हैं जब भी किसी आदमी का जनाजा लाया जाता था तो मैं हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को देखता था, अगर हुज़ैफ़ा उस जनाजे में शरीक होते नबी की वफ़ात के बाद तो मैं शरीक होता था, अगर देखता कि नहीं वो वहाँ से उठकर चले गए हैं तो मैं भी वहाँ से उठकर चला जाता था, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिन्हें हमराज़े रसूल कहा जाता है, साहिब सिर कहा जाता है, भेद वाले, राज वाले, तो उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुनाफिकीन के नाम बता दिए थे। इसी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कभी कभी उनसे पूछते भी थे, हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, आप देखे हों हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का ईमान, उनकी इस्तेकामत, उनकी खिदमत, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़रिए से दीन इस्लाम को तक़वीत बख्शी, लेकिन अल्लाह ताला का इतना खौफ, अल्लाह ताला का इतना डर, तो पूछते थे हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कि क्या अल्लाह के रसूल ने मेरा नाम तो उनमें से नहीं लिया है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हम गौर करें कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बशर बिल जन्नत है, जन्नत की उनको बशारत दी गई है, इतने ऊँचे मकाम पर है, दुनिया में अंबिया के बाद
दूसरा मकाम होता, अबू बकर के बाद उनका मकाम आता उमर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला। इतने बुलंद मकाम पर फायज होने के बावजूद भी इस कदर अल्लाह ताला का खौफ और अल्लाह ताला का डर, कहते हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछते थे कि मेरा नाम तो नहीं लिया गया उन लोगों की लिस्ट में है जिन्हें अल्लाह के रसूल ने तुम्हें मुनाफिकीन का नाम बताया। तो हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु अगर नमाज पढ़ते जनाजे की तो ये पढ़ते, अगर नहीं पढ़ते मानवी वफ़ात के बाद तो उस जनाजे में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु शरीक नहीं हुआ करते थे। तो इस तरीके से ये जो हद होती है ये गुनाहों का कफ़ारा होती है। इसलिए अब्दुल्ला बिन उबै बिन सलूल जो मुनाफिकों का सरदार था उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हद नाफिल नहीं की। इस वाक़े के बाद इसका ज़ोर ख़त्म हो गया, किसका, मुनाफिकों जो सरदार था उसका ज़ोर ख़त्म हो गया। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि बल्कि उमर रज़ी अल्लाह तआला से अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उमर तुमने एक दिन मुझसे कहा था कि आप मुझे इजाज़त दे दो मैं इस आदमी की गर्दन मार दूँ, अगर मैं तुम्हें उस दिन इजाज़त दे देता तो इसके बहुत सारे हमनवा खड़े हो जाते, बहुत सारे इसका साथ देने वाले खड़े हो जाते। लेकिन आज सूरत हाल ये हो गई इस आदमी की कि इस आदमी के कबीले के लोग ही से कत्ल करने के लिए तैयार है, क्योंकि आपने हिकमत के साथ काम लिया, आपने उसके साथ हिकमत से के साथ मामला किया, बड़ी बुर्दबारी के साथ आपने मामला किया। तो आपने कहा कि उमर तुम उस दिन तलब कर रहे थे मुझसे कई साल पहले या कई माह पहले कि मैं इसको कत्ल कर दूं, मैंने तुम्हें इजाज़त नहीं दी। आज सूरत हाल ये होगी इसके बुरे करतूत की वजह से, बुरे आमाल की बिना पर किसके कबीले के लोग खुद इसे कत्ल करने के लिए तैयार हो जा रहे हैं। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत थी। इसलिए दावत के अंदर हिकमत बहुत ज़रूरी है, इंसान दावत को हिकमत के साथ अच्छे अंदाज में लोगों के सामने रखे। इसीलिए जो दुश्मन है वो इंसान का दोस्त हो जाता है अगर इंसान हिकमत के साथ अपनी दावत को लोगों के सामने रखता है। तो बहरहाल ये वाक़ा भी इस जंग के अंदर पेश आया जिसकी वजह से इस वाक़े की बड़ी अहमियत हो गई है। इस वाक़े के अंदर हमारे लिए दर्स क्या है इंशाअल्लाह आने वाले दर्स में मैं आप लोगों के सामने बयान करूँगा। अल्लाह ताला दुआ कर अल्लाह रब्बुल आमीन हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक जानने की तौफीक दे, और अल्लाह रब्बुल आमीन हम सब को अपने नबी की सुन्नत पर कायम रखे। अल्लाह ताला हमारे दिलों में सहाबा इकराम की मोहब्बतों को कायम रखे, उनसे और ज़्यादा मोहब्बत करने की तौफीक दे, क्योंकि अल्लाह के फ़ज़ल के बाद उन्हीं की कोशिशों का नतीजा है, उन्हीं का एहसान है पूरी उम्मत पर, पूरी इंसानियत पर, कि दीन इस्लाम उन्हीं की मेहनतों और कोशिशों से दुनिया के अंदर अल्लाह ने से खालिद किया है। अल्लाह रब्बुल आमीन हमारे दिलों के अंदर तमाम सहाबा की मोहब्बत को और पुख्ता करे, और अल्लाह ताला उनसे हमें और मोहब्बत करने की तौफीक दे। आमीन वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद वाला आलिही व सहाबा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।